बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स के कुल लेक्चर के साथ लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2 जो स्टडी किया था। केस नंबर 2 में क्या था कि हमारे पास जो फैक्टर्स थे, लीनियर फैक्टर थे, वो रिपीटेड फॉर्म में थे, ठीक है ना। तो उसकी तकरीबन एक्सरसाइज जो है वो हो गई है। एक सवाल उसका रहता था 11, वो भी एक बच्चे ने कर दिया था, लेकिन एक दो बच्चे कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आया, तो इस वजह से ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये मैंने खुद से सॉल्व करके इसका प्रिंट तस्वीर लेके जो आप सेंड इस पर लगाई हुई है, इसमें है एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 17x+1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है। आप सॉल्यूशन लिखिए इसको, एक्स माइनस 3 होल क्यूब को इसके फार्मूले से ओपन कर लोगे। अगर अब हम देखें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर Rx और Px जो फ्रैक्शन है, उन दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन परफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह होगा कि माइनस 1 टाइम जाएगा टेबल, तो x³ और x³ कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 8 है, प्लस के 9 है, तो 1 बचेगा x² का। प्लस के 17 है, माइनस के 27 है, तो माइनस के 10 बचेंगे। प्लस का 1 है तो प्लस के 27, क्योंकि सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसकी वजह से 28 हो गया। तो जब इसको होल में लिखेंगे, इस फॉर्म में, होल फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 + 8x, क्योंकि 1 टाइम क्या था टेबल, x² - 10x + 28 / x³ - 9x² + 27x - 27। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये बराबर था इसके x - 3 होल क्यूब के। तो पहला फैक्टर होगा x - 3, सेकंड होगा पार्शियल फ्रैक्शन होगा x - 3 होल स्क्वायर, तो थर्ड फ्रैक्शन होगा वो होगा x - 3 होल क्यूब। एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकलेगा इसका x - 3 होल क्यूब ही निकलेगा, बट ए के ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है वो x - 3 है, तो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो टेबल, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी पावर 2 बची। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 पावर बची। यहाँ पे भी 3 पावर है, यहाँ पे भी 3 पावर है, वो कैंसिल हो गई और यहाँ पे 1 बचा। डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा x² - 10x + 28 = a(x - 3)² + b(x - 3)c = + c। पुट x - 3 = 0, यानी कि x = 3 इन इक्वेशन ई। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप खुद से वेरीफाई भी कर लीजिएगा, ये इस तरीके से मिलेगी। अब इस इक्वेशन को हम ओपन कर लेंगे, ये स्क्वायर था, इस वजह से 6x - 9 + b(x - 3)c। कंपेयर करेंगे x² को, यहाँ x² सिर्फ ए के साथ है, ए लिखा, और यहाँ x² है सिर्फ ये, यानी कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, तो यानी कि ए की वैल्यू हुई 1। नाउ कंपेयर एक्स, एक्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -10 है और यहाँ पे है -6a + b, तो ए की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस बी, -10 - 6 + b, -6 यहाँ पे माइनस का है तो उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। ए की 1, बी की -4 और सी की वैल्यू हुई 7। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से एक बार करके देख लीजिएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, तो इंशाल्लाह जो ये समझ आ जाएगी और हल भी हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर केस ये है, व्हेन पॉलीनोमियल P(x) कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी कि P(x) के अंदर ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर हों जो कि एक तो नॉन रिपीटेड हो और इररिड्यूसिबल हो, मजीद रिड्यूसिबल ना हो। इररिड्यूसिबल जो फैक्टर होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, यानी कि उसके साथ जो पावर है वो 2 होगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये x - 2 एक लीनियर फैक्टर है, सेकंड है x² + 5। इसके अंदर हम देखें, इसको आप मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, हालांकि क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकलते हैं, क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकलते हैं, लेकिन इस तरह के फैक्टर जो है इसको आप मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते, मजीद इसके फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते, ये इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, ये इसकी लास्ट स्टेज है जहाँ तक ये हल हो सकता है। आप इसके ऊपर कोई और फार्मूला लगा के देखें, ये आगे हल नहीं होगा। तो अगर
अगर पॉलिनोमियल्स में इस तरह के फैक्टर आ जाते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स है, ये इस तरह के जो फैक्टर हैं, वो फैक्टर तो है लेकिन ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, हालांकि क्वाड्रेटिक के अंदर मज़ीद फैक्टर निकल सकते हैं, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर होती है टू, तो उसके मज़ीद टू फैक्टर निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन करूँ, इसको मज़ीद में एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन में रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं रिड्यूस नहीं कर सकता, इस पर कोई फार्मूला भी नहीं लगता। तो अगर इस तरह के फैक्टर आ जाएँ तो फिर क्या करें। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज अपॉन एक्स माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ए अपॉन एक्स माइनस टू की जो क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला रिजल्ट ना, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आपने हमेशा फिर अच्छा अगर स्क्वायर पहले है तो आपने इस एक्स पहले वाले के साथ देना है। लेट सपोज ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर जो है वो आपको ठीक है। ये है अगर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है लेट सपोज, तो आपने जो अब नोमिनेटर में बी ऑफ एक्स है वो पहले वाले के साथ लगा हुआ है प्लस सी, इस तरीके। अगर ऐसे आ जाए लेट सपोज फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप उलट करके भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप उलट करके नहीं लिख रहे तो आप लिखोगे सी बी प्लस सी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखोगे। लेकिन लिखना आपने इस तरीके, हमेशा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है तब भी आपने क्या लिखना है, पहले वाले में है, डबल भी आ सकते हैं, तो आप इसे लिखोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से लिखोगे। ये बस चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको यानी कि हमने इसको तोड़ दिया, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कुछ इस तरीके से निकलेगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल, या एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, या एक्स स्क्वायर प्लस फाइव आ गया, या बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस टू। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे एक्स माइनस टू यानी कि एक्स इजिकल टू जीरो, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी जैसे हमने पहले तरीकों में किया। लेकिन बी और सी के लिए फिर वही हम कंपेरिजन वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस टू सी, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन की हमने इन दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लिकेशन। कंपेरिजन एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए की वैल्यू हमारे पास वन है, वन पुट करेंगे, ठीक है ना। चलो कंपेरिजन कर लेते हैं एक्स का, जहाँ पे थ्री है यहाँ पर है माइनस टू बी और यहाँ पर है सी। अब क्योंकि ए की वैल्यू वन थी, हम पहली क्वेश्चन में पुट करेंगे वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, यानी कि ये वन प्लस का इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का कैंसिल, बाकी बचा ज़ीरो, यानी कि बी की वैल्यू क्या हुई ज़ीरो। पुट बी इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन टू, यानी कि इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी थ्री। अब ए बी सी दोनों तीनों की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट करूँगा, वन अपान एक्स माइनस टू प्लस ज़ीरो इंटू एक्स अपान प्लस थ्री अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो अगर हम इसको आगे बात करें तो ये बन जाएगा वन अपान एक्स माइनस टू प्लस थ्री अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इस तरीके से ये आपका जो केस नंबर थ्री के जो प्रॉब्लम है वो हल होंगे। आगे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन वन टू थ्री फोर। अच्छा, इसका जो है आप कैसे इसको करोगे इरेड्यूसिबल, यहाँ पे आपको अगर आप याद हो ये फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, ये बनेगा
ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा। इसमें से देख लीजिएगा जो सवाल आपके हल हो सकते हैं, तकरीबन सारे हल हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप डिवीजन करोगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पे भी डिवीजन होगी और फोर यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसमें से जो सवाल आपके हल हो सकते हैं, 3-4 दिन है आपके पास, वो कर लीजिएगा, जो समझना है वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है वो मज़ीद जो सवाल आपके रहते होंगे उनको हल कर लेंगे, या फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।